पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्रिटेन और अब अमेरिका में बनेगा हिंदू राष्ट्रपति, खुद अमेरिकी सांसद ने माना लोहा। पीएम मोदी पहुंचते अमेरिका, उससे पहले ही अमेरिकी सांसद ने कहा, आप लोग अपना राष्ट्रपति यहां भी बनाएं। क्या अखंड भारत से पहले दुनिया में बढ़ेगा सनातन धर्म का दबदबा, फिर मोदी सरकार सपना करेगी साकार। हम और आप इधर अखंड भारत पर चर्चा कर रहे हैं, उसका सपना देख रहे हैं, लेकिन दुनिया भारत से कुछ और चाहती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में सनातन धर्म का सम्मान करने वाले प्रधानमंत्री बने, उसके बाद ब्रिटेन में गाय की पूजा करने वाले ऋषि सुनक ने पदभार संभाला, ठीक वैसा ही अब अमेरिका में भी हो सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद एक अमेरिकी सांसद ने कही है, और इसके पीछे का आधार क्या है वो भी समझना होगा। हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन में रिपब्लिकन सांसद मैक कॉर्मिक ने कहा, इस प्रवासी आबादी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, इन्होंने अमेरिका में बहुत कुछ जोड़ा है और सब कुछ बेहतरीन है। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि ये समुदाय अगर जागरूक हो जाता है और उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उनके पास कितनी ताकत है, तो वो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति तय कर सकते हैं। 21 जून को पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में उससे पहले ऐसी खबर आना एक बड़ी खुशखबरी है। जो लोग सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं, उन्हें शायद ये बात चुभने लगे, पर यह सच है कि दुनिया की प्रमुख कंपनियों में शामिल गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ सत्या नडेला, एडोब के शांतनु नारायण भी हिंदू समुदाय से आते हैं। साथ ही अमेरिकी संसद में भी हिंदुओं की अच्छी खासी संख्या है। राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना और प्रमिला जयपाल हिंदू समुदाय से आते हैं। ये वो नाम है जिनकी अमेरिका में अच्छी खासी पहचान है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले सालों में वहाँ भारतीय लोग अपनी पसंद का राष्ट्रपति बना सकते हैं। ये बात खुद बाइडेन से लेकर ट्रंप तक जानते हैं, इसीलिए इनके कार्यकाल में भारतीय मूल के लोगों को खासा तवज्जो मिली। आज कमला हैरिस से लेकर कई अहम पदों पर भारतीय मूल के लोग बैठे हैं। खासकर सनातन धर्म के लिहाज से देखें तो 2007 से 2014 के बीच अमेरिका में हिंदू आबादी में लगभग 85% की बढ़ोतरी हुई। अगर ये ग्राफ ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका का राष्ट्रपति कोई हिंदुस्तानी मूल का सनातनी होगा। वहाँ के राष्ट्रपति भवन में भी ब्रिटेन की तरह घंटियां बजेंगी, पूजा पाठ होंगे और भारत अखंड भारत के सपने की ओर आगे बढ़ेगा। ये बात दुनिया भी जानती है कि रूस जैसे सोवियत संघ को वापस चाहता है, वैसे ही हिंदुस्तान को भी अखंड भारत चाहिए। इसीलिए संसद भवन में तस्वीर लगी तो कई लोगों ने बवाल मचाया, पर भारत सरकार ने ये कहकर मामला शांत कर दिया कि ये हमारा इतिहास है, पर वैश्विक हालात कैसे अखंड भारत के सपने को साकार करने में मदद करने वाले हैं, वो भी समझना बेहद जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड, ये तीन ऐसे देश हैं जिनके बाद दुनिया के बड़े बड़े देश मानते हैं। अगर इन तीनों देशों का मुखिया कोई सनातनी होगा, हिंदुस्तान मूल का होगा, तो हालात बदलेंगे। आज भारत की जो छवि दुनिया में बदली है, उससे भी मजबूत छवि तब हो सकती है और इसका फायदा भी मिलेगा। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो दुनिया के बड़े बड़े देशों में जब आपकी धाक होगी तो आपकी तरक्की अपने आप दिन दूनी रात चौगनी होने लगेगी। हो सकता है कि एक वक्त ऐसा भी आए जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भारत की सलाह पर काम करें। आज यूक्रेन युद्ध से लेकर कई मसलों में ऐसा दिखने भी लगा है और यही दौर भारत को विश्व गुरु भी बना सकता है। इसीलिए अमेरिकी सांसद ने अगर ये बात कही है तो इसके अलग अलग मायने समझने होंगे। इन चीजों की कोई तारीख तय नहीं होगी, पर अंग्रेजों के जमाने में जब कोई कहता होगा कि गोरों के देश पर कोई हिंदुस्तानी राज करेगा तो गोरे हंसते होंगे, पर आज हालात वही हैं। अब आप इस पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।